हेलो एवरीवन। तो अब मार्केट से बिस्किट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम बनाएंगे बिल्कुल बेकरी से भी अच्छा और खस्ता करारा बिस्किट, जिसे कि घर में सभी बहुत पसंद से खाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी ले लिया है 3 से 4 चम्मच, और अब हम इस पिसी हुई चीनी में मिलाएंगे 4 चम्मच देसी घी। आप देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, और देसी घी ज़्यादा हेल्दी रहता है ऑप्शन। और यहाँ पे मैंने कुछ इलायची के पाउडर डाले हैं टेस्ट को बढ़ाने के लिए। 1/2 कप के करीब दूध लिया है, और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा लिक्विड इंग्रेडिएंट तैयार है। और अब मैंने आटा और मैदा दोनों मिला के छान के एक में रखा था, 1 से 1.5 कप के करीब है, इसे हम डाल लेंगे। आप चाहें तो बस मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ आटे का, लेकिन सिर्फ आटे का बनाने से क्या होता है कि इसमें ज़्यादा ही आटे का स्वाद आता है, इसलिए आप मैदा यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों मिक्स किया ताकि ये हेल्दी भी रहेगा और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और इसे हमें बिल्कुल सॉफ्ट और सख्त ही आटा गूंथना है, बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उतना खस्ता हमारा बिस्किट नहीं बनेगा। और इसे रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसकी एक मोटी सी रोटी बेल लेंगे। थोड़ा सा ये मोटा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं बेलना है, क्योंकि हम इसे जब फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा ये और फूल के मोटा होगा। और इसे हम किसी भी ढक्कन या फिर किसी भी कटर से काट लेंगे। आप चाहें तो किसी भी आकार में इसे काट सकते हैं। मैंने इसे गोल गोल बिस्किट के आकार में काटा है एक ढक्कन की सहायता से। और इस तरीके से हम अपने सारे बिस्किट कट कर लेंगे। और ये जो किनारे बचते हैं उसे हम बाद में यूज़ कर लेंगे। देखिए इसकी मोटाई इतनी रहेगी। और अब बिल्कुल सिम माच पे हमें इसे फ्राई करना है, बिल्कुल सिम माच पे लगातार जलाते हुए, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाए और बिल्कुल खस्ता बिस्किट बनकर तैयार हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा ऑयल भी सोक नहीं करता है। देखिए इसे कितना अच्छा सा कलर आया है। इसे हम दोनों तरफ से अलग पलट के अच्छे से सेक लेंगे। और इसे आप शक्करपारे भी कह सकते हैं, बिस्किट भी कह सकते हैं। ये घर में बहुत ही जल्दी से घर के सिंपल से सामानों से बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे बनाएं और खाएं। एक बार उसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए कितना ये खस्ता बना है। वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।